हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन एनी एटम गेन इलेक्ट्रॉन। इट मींस कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करता है तो उसकी एनर्जी में चेंजेस आते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मान लो ये न्यूट्रल एटम है और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते एन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी एनर्जी में जो चेंज आया उसे बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस किस पे डिपेंड करती है उस पे उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना है या नहीं करना है। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी होता है और एंडोथर्मिक। देखो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हम प्लस का माइनस का साइन लगाते हैं, ध्यान रखना है एनर्जी पे, और एंडोथर्मिक में हम प्लस का साइन लगाते हैं एनर्जी के लिए। ठीक, अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कब होगा उसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ऑक्टेट कंप्लीट करने में, 1, 2, 3, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। और अगर इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है किसी एटम को, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है और हम ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है बाहर से, दैट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, और उसे प्लस से इंडिकेट करते हैं, है ना। अब देखो आगे की बात, यहाँ देखो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, साइज ऑफ एन एटम। देखो, अगर एटम मान लो, सपोज करो ये सेंटर पार्ट न्यूक्लियस छोटा एलिमेंट एटम है, या एक ऐसा एलिमेंट है कि ये बड़ा है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन वेट कर रहा है आने का। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली आएगा जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने वाला न्यूक्लियस है, अट्रैक्ट करने वाला न्यूक्लियस है, तो ये दूरी कम होगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा। ये इजीली होगा काम, क्योंकि इसको न्यूक्लियस अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। तो साइज ऑफ एन एटम में यही बताया, स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम स्ट्रोंगर इज द अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज, सपोज करो यहाँ 12 प्रोटोन है और यहाँ पे 16 प्रोटोन है, तो 12 प्रोटोन सपोज करो यहाँ सेम साइज़ है, ऐसे माने हम सेम साइज़ है और इलेक्ट्रॉन बाहर है, सेम साइज़ है और इलेक्ट्रॉन बाहर है। ठीक है, तो यहाँ मान लो 12 प्रोटोन है, यहाँ 16 प्रोटोन है, तो 16 प्रोटोन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है, तो हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होता है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। आई बात समझ में? अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वेरिएशंस देखेंगे। देखो, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज। ओके, अब हम नया टॉपिक लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि एलिमेंट्स की अगर हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो एनायन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ठीक है, मैंने फिर बोला कोई भी एटम इजीली अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है इजीली, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है, ध्यान रखना, और इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बनाएगा। और अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें यह भी है कि जो इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन करता है तो वो एजेंट जो होता है वो खुद का रिडक्शन करता है, और एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एलिमेंट हैविंग हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जैसे मान लो दो एटम है, ये दो एटम है और इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, ये सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है। अगर कोई भी एक एटम इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की ज़्यादा टेंडेंसी रखता है, अपनी साइड सपोज करो ये या ये, तो उसे बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, उस एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी. तो देखो द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इट्सेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि छोटा एटम होगा तो उसका न्यूक्लियस इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है. तो इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज. इफ वी मूव अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज. अब आती है बात डिफरेंस. ये आपके क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो मैं अपनी लैंग्वेज में बता दूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी एनर्जी में चेंजेस आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की. और बाकी मैंने डिफरेंस इसमें बता दी हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली. ये नोट्स आप कॉपी कर लेना कंप्लीट.